हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? पढ़ाई बेटा बढ़िया करिया करो, अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है, वो चल रहा है कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक चल रहा है और इसमें हम आपको कल तक सामान्य परिचय हम बता चुके हैं, नामकरण आपको हम करा चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन का, रूल पद्धति में और आईपीएससी पद्धति में। ठीक है, तो उनको आप प्रैक्टिस भी करें, समझें। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें। इसके बाद नेक्स्ट आप आज हेडिंग डालें। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो एल्डिहाइड कीटोन का क्रियात्मक समूह वो क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल। क्रियात्मक समूह, और इसलिए एल्डिहाइड कीटोन को कंबाइंड रूप से कार्बोनिल क्रियात्मक, कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, तो नामकरण के बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कार्बोनिल क्रियात्मक समूह, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की संरचना। आप हेडिंग डाल लें, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की संरचना। अच्छा, तो आप 11th में संकरण पढ़ चुके हैं और संकरण में आपको पता है अगर किसी भी यौगिक की, किसी समूह की आपको संरचना देखनी है, बंध कोण देखना है, आबंध के बारे में बात करनी है, तो उसमें हम क्या संकरण देखते हैं, क्या पढ़ते हैं? संकरण। तो संकरण के आधार पर किसी भी यौगिक की संरचना, आबंध कोण और ये सारी सूचनाएं आपको मिलती हैं। तो देखिए, बस एक मिनट बेटा, थोड़ा सा ये माइक सही कर लेता हूं मैं। देखो, तो कार्बन क्रियात्मक समूह की संरचना देखने के लिए क्या देखना है, इसमें हमको संकरण देखना पड़ेगा। तो इसकी आप हेडिंग डाल लें, कार्बन क्रियात्मक समूह की संरचना। और संरचना मैं आपको बताता हूं, देखो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ और ये दो बैलेंसी खाली। ठीक है, अब संरचना देखने के लिए यहां पर ये जो कार्बन है ना, ये एक से अधिक परमाणु से जुड़ेगा, तो इसी में हमको संकरण देखना है, इसके आधार पर संरचना हम देखेंगे। क्या है देखो, ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है ना वो sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? ये संकरण आप अच्छे से पढ़ चुके हो 11th में, sp2 संकरित अवस्था में। जब ये sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है ना, तो इस कार्बन पर टोटल 3 sp2 संकरित कक्षक बनकर तैयार होते हैं। मैं आप इसकी संरचना बना रहा हूं, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह का कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है। अब sp2 संकरित अवस्था में है तो टोटल sp2 संकरित कक्षक कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, और 3 sp2 संकरित कक्षक बनने के बाद इस कार्बन पर एक pz कक्षक असंकरित अवस्था में रहता है। ठीक है, अब प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन है,
कार्बन का एक sp2 संकृत कक्षक जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के एक कक्षक के साथ क्या करता है, समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करता है। कैसे होता है ध्यान से सुने, जैसे मैं बना के आपको बताऊं कैसे बनाया, डायरेक्ट देखिए ये और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर आपको पता है दो असंकृत कक्षक है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, दो लोन पेयर होते हैं। जो असंकृत कक्षक है वो कौन कौन से हैं, पी वाई और पी जेड। तो मैंने कहा ये तो पी जेड और ये इसका कौन सा पी वाई। अब देखो इस कार्बन को और ऑक्सीजन को जब आप पास पास लाओगे, देखिए इस कार्बन को और ऑक्सीजन को जब हम पास पास लाएंगे ना, तो इसका पी वाई और इसका एक sp2 संकृत कक्षक, वो आपस में क्या करेगा, समाक्षीय अतिव्यापन होगा। ध्यान से सुने कैसे आ रहे हैं पास पास, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में दो कौन कौन से कक्षक हैं, एक तो पी वाई और एक तो पी वाई और एक पी जेड, ये दो हैं जो बंध बनाने के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी के दो इस पे क्या होते हैं लोन पेयर होते हैं, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इनको पास पास लाएंगे, किसको, कार्बन को और ऑक्सीजन को आप पास पास लाइए, तो अब देखिए ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट में कैसे आएंगे, मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन जो है, कार्बन पर देखिए एक तो कौन सा आप देख सकते हैं, ये माना कि हमारा कौन सा है असंकृत पीजेड कक्षक है और ये हमारा एक sp2 संकृत कक्षक है, किसका, कार्बन का। अब ऑक्सीजन का भी ऐसे आ रहा है कैसे, इधर से ये माना पी वाई कक्षक है और ये कौन सा है पीजेड कक्षक है। जब ये एक दूसरे के पास पास आएंगे, ऑक्सीजन आ रहा है कार्बन आ रहा है, आ रहे हैं ना। अब आप देखिए कार्बन का ये sp2 संकृत कक्षक, ऑक्सीजन का ये पी वाई कक्षक आपस में समाक्षीय अतिव्यापन करेगा, एक ही अक्ष पर एक दूसरे के संपर्क में आएगा, सिग्मा बंध बनेगा। और देखो कार्बन का ये असंकृत पीजेड कक्षक और ऑक्सीजन का ये असंकृत पीजेड कक्षक आपस में एक दूसरे के कैसे पास पास आएंगे, पैरेलल पास पास आएंगे, पार्श्व रूप से एक दूसरे के पास पास आएंगे। तो आपने पढ़ा है 11th में समक्षीय अतिव्यापन से हमेशा सिग्मा बंध और समपार्श्विक अतिव्यापन से हमेशा कौन सा बंध बनेगा, पाई बंध बनेगा, कौन सा बंध बनेगा, पाई बंध। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कैसे, देखिए कि ये भाई एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे हैं। अब इसका, अब ये जो पास पास आएंगे ना, तो इन दोनों के मध्य कौन सा है, सिग्मा बंध, और इन दोनों के मध्य कौन सा बनेगा, पाई बंध, ठीक है। तो अब देखिए ये ऑक्सीजन जब पास पास आएगा तो इसको यहाँ ले आएंगे अपन, ये ऑक्सीजन का, तो ये प्रत्येक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, कौन सा कक्षक है, ये पीजेड कक्षक है इसका। और ये कैसे, अब यहाँ पे तो सिग्मा बंध बन गया और ये समपार्श्विक बंध, समपार्श्विक अतिव्यापन, कौन सा बंध, पाई बंध, ठीक है। अब ये इसकी, अब क्या हुआ इसमें, sp2 संकृत कक्षक में एक sp2 संकृत कक्षक ऑक्सीजन के साथ समक्षीय अतिव्याप, ऑक्सीजन के असंकृत पीजेड कक्षक के साथ, इसमें तो संकरण होगा ही नहीं क्योंकि अकेला परमाणु है, तो उसके साथ समक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनाता है। जबकि कार्बन का एक असंकृत पीजेड कक्षक ऑक्सीजन के पीजेड कक्षक के साथ समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा क्या बना लेता है, पाई बंध बना लेता है। अब कार्बन पर दो ये संकृत sp2 संकृत कक्षक शेष बचते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, इन किसी के साथ, चाहे हाइड्रोजन के साथ बना सकते हैं, कार्बन के साथ बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, सिग्मा बंध बनाएंगे। और इनकी अगर आप संरचना देखोगे, इसकी जो संरचना आप देखिए, इस कार्बन की देखो एक तल में है और बंध कोण कितने का होगा, एक ही तल में ये उपस्थित है, बंध कोण कितना होगा, 120 होगा। संरचना इसकी कैसी होगी, समतल त्रिकोणीय होगी। और वैसे भी आपको पता है अगर संकरण निश्चित हो जाए तो उसकी ज्यामिति और बंध कोण भी निश्चित हो जाता है। तो आप लिख लें, लिखिए कार्बोनिल क्रियात्मक समूह
कार्बोनिल क्रियात्मक समूह का कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में पाया जाता है। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह का कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में पाया जाता है, जिससे कार्बन पर तीन sp2 संकृत कक्षक बनकर तैयार होते हैं। कार्बन पर तीन sp2 संकृत कक्षक बनकर तैयार होते हैं। इनमें से एक sp2 संकृत कक्षक एक असंकृत कक्षक ऑक्सीजन इनमें से एक sp2 संकृत कक्षक ऑक्सीजन के असंकृत पी कक्षक के साथ समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन के असंकृत पी कक्षक के साथ समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाता है। तथा अब एक sp2 संकृत कक्षक ने तो ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध बना लिया, ठीक है, तथा शेष बचे दो sp2 संकृत कक्षक कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ एक sp2 संकृत कक्षक कार्बन के साथ तथा दूसरा sp2 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध बना लेता है। अब देखो, एक sp2 संकृत कक्षक ने इसके असंकृत कक्षक के साथ समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनाया। ये दो sp2 संकृत कक्षक या तो कार्बन के साथ या दोनों हाइड्रोजन के साथ या एक हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ सिग्मा बंध बना लेता है। अब क्या बचा है, इस कार्बन पर एक pz असंकृत कक्षक बचा है जो ऑक्सीजन के दूसरे असंकृत पी कक्षक के साथ समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई बंध बनाता है। ठीक है ना, इन्होंने दोनों ने बना लिया बंध। इसी में लिखो, अब कार्बन पर उपस्थित कार्बोनिल क्रियात्मक समूह के कार्बन पर उपस्थित असंकृत pz कक्षक ऑक्सीजन के असंकृत पी कक्षक के साथ समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा पाई बंध का निर्माण करते हैं। लिखा, इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं।
इस प्रकार कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की समतल त्रिकोणीय संरचना बनकर तैयार होती है। समतल त्रिकोणीय संरचना बनकर तैयार होती है जिसमें बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है। बंद कोण का मान 120 डिग्री होता है। अब ये संरचना आप बना लें। संरचना आप बनाएं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग डालो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की प्रकृति। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की प्रकृति। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की प्रकृति देखिए, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह की प्रकृति की बात करें तो देखो, ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है हमारा। ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह है। ठीक है ना। अब कार्बोनिल क्रियात्मक समूह में आपको बताएं, ऑक्सीजन की विद्युतीयता कार्बन से अधिक होती है, इसलिए ये जो पाईबंद के इलेक्ट्रॉन है ना, इनका आंशिक विस्थापन किधर हो जाता है? इनका आंशिक विस्थापन ऑक्सीजन की तरफ हो जाता है। तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह कैसा हो जाता है? ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ध्रुवीय। ठीक है ना। और ये जो ऋणावेशित ऑक्सीजन है, इस पर कोई ना कोई धनावेशी समूह अर्थात इलेक्ट्रॉन समूह आकर जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह आकर जुड़ता है, और कार्बन पर, धनावेशित कार्बन पर कोई ऋणावेशित समूह अर्थात नाविक स्नेही समूह आकर इस पर जुड़ता है। ठीक है ना। और ये हम आगे बताएंगे आपको किसमें नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देखने को मिलती है, क्या है, क्यों होती है, ये सब के सब थोड़ा थोड़ा आगे हम आपको बताएंगे। तो यह छोटा सा लिख लें आप, लिखो कार्बोनिल क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। कार्बन से अधिक होती है, अतः पाईबंद के इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन ऑक्सीजन की तरफ हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अतः कार्बोनिल क्रियात्मक समूह
अतः कार्बोनिल क्रियात्मक समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कार्बोनिल क्रियात्मक समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना, लिखो। इसी कारण कार्बोनिल यौगिकों में ध्रुवणता पाई जाती है। कार्बोनिल यौगिकों में ध्रुवणता पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन लिखना, कार्बोनिल यौगिक ईथर से अधिक ध्रुवीय होते हैं। कार्बोनिल यौगिक ईथर से अधिक ध्रुवीय होते हैं। और ये बना लेना, ये क्रियात्मक समूह की संरचना हो गई बेटा, और नामकरण हो गया रूढ़ पद्धति, आईपीएससी पद्धति। इसके बाद आप हेडिंग डालें एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधि। एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां, अब प्रोसीजर वही रहेगा प्रत्येक चैप्टर का। मैंने आपको बताया पहले सामान्य परिचय होगा क्या होता है, कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, फिर नामकरण होगा, उसके बाद बनाने की विधियां, फिर भौतिक गुण, उसके बाद रासायनिक गुण। ठीक है, अब बनाने की विधि देखिए, आप एल्कोल फिनोल ईथर एक चैप्टर इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ चुके हो, दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। तो अब जो बच्चे उस चैप्टर को पढ़ चुके हैं एल्कोल फिनोल ईथर, जिन्होंने पढ़ लिया है और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो उसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं इसमें आने वाली हैं। ठीक है ना, कंसेप्ट भी आने वाले हैं, क्रियाविधि भी आने वाली हैं और अभिक्रिया भी आने वाली हैं। अब स्टार्टिंग भी हम उसी से करेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ कि एल्कोल के रासायनिक गुणों में देखिए, हमने एल्कोलों के रासायनिक गुण जब पढ़े थे तो उसमें मैंने एल्कोलों का ऑक्सीकरण और बीहाइड्रोजनीकरण दो अभिक्रियाएँ करवाई थी एल्कोल की। तो आपको पता हो तो एल्कोल के ऑक्सीकरण और बीहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बनाने की विधि हम उसी से प्रारंभ करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियाँ, और इसमें आप लिखें एल्डिहाइड तथा कीटोन का निर्माण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। एल्डिहाइड तथा कीटोन का निर्माण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। इसमें आप सबसे पहले नंबर एक विधि लिखें, हेडिंग डालो एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अब एल्कोहलों के ऑक्सीकरण की अगर हम बात करें तो देखिए, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल, और ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है,
अच्छा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, एक ही बात है, ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर ये 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल आप इसको लिखेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, और ये हमारा है द्वितीयक एल्कोहल। अब इनका यदि हमको ऑक्सीकरण कराना है तो ऑक्सीकरण ऑक्सी कारकों की उपस्थिति में होता है, जैसे अम्लीय KMnO4, K2Cr2O7 या CrO3 या PCC, ठीक है ना। PCC क्या है? पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन CrO3 क्लोरोक्रोमेट HCl, इनका संकुल यौगिक होता है, ठीक है ना। K2Cr2O7 KMnO4 द्वारा भी आप इसका ऑक्सीकरण कर सकते हैं, CrO3 द्वारा भी ऑक्सीकरण आप इसका कर सकते हैं। तो ऑक्सीकरण जब होगा, आप देखिए ध्यान से, बड़ी सिंपल अभिक्रिया है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये जो अच्छा ये जो ब्रैकेट बनाया है मैंने, चौकोर ब्रैकेट में ऑक्सीजन का मतलब है नवजात ऑक्सीजन, जो अभी हमको इनसे प्राप्त हुई है और ऑक्सीकरण का कार्य करेगी। इसमें आपको संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी ऑक्सीजन आपको जरूरत है मिल जाती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन को यहाँ से लेगी, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस हाइड्रोजन को यहाँ से लेगी, ध्यान से सुने, ये ऑक्सीजन 1 2 दोनों हाइड्रोजन को लेकर किसके रूप में निकलेगी, H2O के रूप में निकलेगी। इस ऑक्सीजन यहाँ गई, दोनों हाइड्रोजनों को लेकर आई, क्या बचेगा देखना, RCHO कौन बन गया बोलो, एल्डिहाइड। इसी प्रकार ये देखो, ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन तो क्रियात्मक समूह से, एक किससे, अल्फा कार्बन से लेकर किसके रूप में निकलेगी, H2O के रूप में, और देखिए क्या बनेगा, RC(OR) कीटोन। अभी एग्जांपल लेके भी हम देख लेंगे। एक बात आपको यहां मुझे बतानी है, कि जो CrO जो KMnO4 है ना, वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, और प्रबल ऑक्सीकारक ये क्या करता है, जो एल्डिहाइड जो प्राप्त होता है एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, तो इस एल्डिहाइड को ये आगे कार्बोक्सिल अम्ल में भी ऑक्सीकृत कर सकता है या कर देता है। तो इसलिए यदि हमको प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनाना है, तो सबसे अच्छा उपयुक्त जो ऑक्सीकारक है वो कौन है, PCC है, क्योंकि PCC क्या करता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करता है, लेकिन एल्डिहाइड का आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण नहीं करता। तो पहले आप हेडिंग डाल लें, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से, फिर लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल लिखते हैं, फिर कुछ बातें लिखते हैं। लिखिए, लिखो, जब एल्कोहलों का K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसका नाम है, K2Cr2O7 या KMnO4 या CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या पीसीसी और पीसीसी का ब्रैकेट में नाम लिखेंगे, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट ब्रैकेट बना लें, उसमें इसका नाम लिखें प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट नाम लिख लिया,
इसी ब्रैकेट में लिखें, जो कि पिरिडीन कॉमा क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, पिरिडीन कॉमा क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड तथा HCl का संकुल यौगिक है। ब्रैकेट बंद की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है, की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड तथा द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड तथा द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। इसमें अगर आप देखें, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है पीसीसी ले सकते हैं, K2Cr2SM ले सकते हैं, KMn4 भी ले सकते हैं, CrO3, इनमें से कोई भी एक अभिकर्मक आप लें, ऑक्सीकरण कराएंगे और प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन आपका बनेगा। पुरानी अभिक्रिया है, जस्ट पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से आपने पढ़ी है, बहुत समझदारी से आपने पढ़ी है, बड़ी अभिक्रिया, कम से कम एक दिन हमने इसको पूरा का पढ़ा था। और ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना एक ही बात है। तो दोनों अभिक्रिया लिख लें, फिर इसमें एग्जाम्पल लिखाऊंगा, फिर एक पॉइंट लिखाऊंगा आपको। अभिक्रिया देखिए, एथेनॉल 1 डिग्री एल्कोहल है, प्रोपेन 2 ऑल, ऑक्सीकरण इसका करा रहे हैं हम, पीसीसी ऑक्सीकरण होगा तो आपको पता है ये यह ऑक्सीजन यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से लेगी, तो इस हाइड्रोजन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे ऐसे, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, क्या जाएगा बाहर H2O, हाइड्रोजन निकली है, ये ऑक्सीजन जाके इसमें से दो हाइड्रोजन निकाल के लाई, बचेगा क्या CH3CHO, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C(OH) एथिनॉल, ऑक्सीकरण इसका कराएं CrO3 की उपस्थिति में, वही आर क्या निकलेगा H2O, क्या बनेगा एसीटोन, इसका सामान्य नाम है, व्यावसायिक नाम है, ऐतिहासिक नाम है, ठीक है एसीटोन, ये दोनों एग्जांपल आप लिख लें।
एरो लगा के एक पॉइंट लिखे नीचे। लिखिए KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, अतः यह अभिक्रिया में बनने वाले, अतः यह अभिक्रिया में बनने वाले एल्डिहाइड को आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, अतः अतः प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए ऑक्सीकरण पीसीसी की उपस्थिति में करवाया जाता है। ऑक्सीकरण पीसीसी की उपस्थिति में करवाया जाता है, पीसीसी पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट की उपस्थिति में करवाया जाता है। हो गया, ये लिख लिया। ये देखो पुरानी अभिक्रिया है, जस्ट पिछले चैप्टर में पढ़ी थी आपने। नंबर दो हेडिंग डालो, एल्कोहलों के बीहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहलों के बीहाइड्रोजनीकरण से। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण, तो जो एल्कोहलों का बी हाइड्रोजनीकरण है ना, ये भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है। अभिक्रिया क्या है इसमें, देखिए हम दो अभिक्रिया करेंगे इसमें। सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल से, आप यहाँ पर ही हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, कितने भी कार्बन की आप ले सकते हो, ठीक है। तो प्राथमिक एल्कोहल आपको पता है किसे कहते हैं, जिसमें OH क्रियात्मक समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये हमारा एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। ये हमारा 2 डिग्री और इस एल्कोहलों को क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं 573 केल्विन ताप पर CU उत्प्रेरक की उपस्थिति में। बहुत सिंपल है, देखिए इसमें से क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो कहां से निकलेगी, क्रियात्मक समूह से, और एक हाइड्रोजन निकलेगी कहां से, अल्फा कार्बन से, और किसके रूप में, H2 के रूप में। बचा क्या, RCHO एल्डिहाइड। उसी प्रकार देखो H RCOR, ठीक है, सेम है।
ऑक्सीकरण में क्या था, यहां पर ऑक्सीकारक था, ऑक्सीजन जा रही थी, इसमें से हाइड्रोजन ला रही थी, यहां पर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रही, तो बी हाइड्रोजनीकरण कह दिया। लिख लो आप, लिखिए जब सिंपल अभिक्रिया, एल्कोहल में आपको पढ़ा बता चुके हैं, बहुत सरल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों अभिक्रिया एक जैसी। लिखिए जब एल्कोहलों की वाष्प को, जब एल्कोहलों की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर 573 केल्विन ताप पर CU उत्प्रेरक पर से प्रभावित किया जाता है, CU उत्प्रेरकों पर से प्रभावित किया जाता है, तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड तथा द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है, तथा द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन का निर्माण होता है। ये दोनों अभिक्रियाएं लिख लें आप। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए ये प्रोपेन टू ऑल 2 डिग्री एल्कोहल, सी उत्प्रेरक पर से 573 केल्विन ताप, तो क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक आप इसको यहाँ से H2 CH3 C11OH, एथेनॉल, उतार लो क्रिया।
लिख लिया बेटा। तो ये दो अपक्रिया तो आपकी जस्ट पहले चैप्टर की हैं, तो कहीं कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से और एल्कोहल के बीहाइड्रोहैलोजनीकरण से। अब देखो तीसरी जो अभिक्रिया है वो आप लिखेंगे एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, और इसके बाद फिर एल्काइन के जलयोजन से भी हम कराएंगे। ये दोनों अपक्रियाएं हम 11th में पढ़ चुके हैं। एल्कीन का ओजोनी अपघटन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सरल अपक्रिया है। एल्कीन का ओजोनी अपघटन जो अपक्रिया है इसमें जो एल्कीन है ना, अच्छा एल्कीन किसे कहते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड हो, क्या हो, द्विबंध हो। तो कोई सी भी एल्कीन है और एल्कीन का ओजोन से क्रिया कराते हैं, किससे क्रिया कराते हैं, ओजोन से। देखो एल्कीन की क्रिया किससे कराते हैं बोलो, ओजोन से। जब एल्कीन की क्रिया ओजोन से करवाई जाती है ना, तो ये ओजोन क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक, तुरंत टूट जाती है ऑक्सीजन में, और प्रबल ऑक्सीकारक क्या करती है, ये दोनों इन बॉन्डों को तोड़ देती है, ठीक है, और तोड़कर एक योगात्मक उत्पाद बनाती है। कैसे, अच्छा आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, ये मैंने बैलेंस ही खाली छोड़ी है, इनसे आप कितने भी कार्बन की श्रृंखला आप बना सकते हैं। एल्कीन की कॉमन अपक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखाऊंगा अभी 4-5 अपक्रिया इसमें मुझे लिखानी है। तो जब ओजोन से क्रिया कराते हैं ना, तो एक योगात्मक उत्पाद बनता है और ये दोनों बॉन्ड टूटकर ये तीनों ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो इसमें जुड़ जाते हैं और इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। और इस ओजोनाइड का हम क्या कराते हैं, जल अपघटन। देखिए जल अपघटन जो करवाया जाता है वो जिंक की उपस्थिति में करवाया जाता है, जिंक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, जिंक। तो जब जल अपघटन इसका करवाते हैं ना, अपघटन माने होता है तोड़ना, जल अपघटन माने जल द्वारा तोड़ना। तो इस ओजोनाइड का विखंडन होता है, विखंडन कैसे, देखो ये फिक्स है इसका टूटना, कहाँ से टूटेगा, एक बंद यहाँ से टूटेगा इस ऑक्सीजन और इनके मध्य का, और ये दूसरा बंद टूटेगा ये यहाँ से, ध्यान से सुनिएगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य ऐसे ही एक ये टूटेगा और ये टूट जाएगा। अब होगा क्या, देखो ये क्या बच गया, सी, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये दो बैलेंसी खाली, ऐसे ये बनेगा, इसके कितने अणु बन गए, दो, और ये जो ऑक्सीजन है ना ये बाहर निकलती है H2O2 के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, H2O2 के रूप में। अब आप इसको देखिए, ये काई का क्रियात्मक समूह है, ये कार्बोनिल यौगिकों का क्रियात्मक समूह है। अभी हमने यहाँ पर सारी वैलेंसी खाली छोड़ रखी है, तो यहाँ पर हम कोई भी समूह जब जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ें, कार्बन जोड़ें, तो उससे हमको एक कार्बन का एल्डिहाइड, दो कार्बन का एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन सब कुछ मिलेगा। तो ये हमको क्या प्राप्त होता है, कार्बोनिल यौगिक। यह अपक्रिया हम 11th में पढ़े हैं, कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, इसमें हमको 4-5 अपक्रिया हमको पढ़नी है। तो अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो जल अपघटन है वो जिंक की उपस्थिति में क्यों करवाया गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें अपक्रिया भी मुझे करानी है, लेकिन ये सारे ये अपक्रिया है जो बनाने की विधि है वो मैं आपको नेक्स्ट डे, ठीक है ना, तो आप इसको पढ़ें और
ठीक है, थैंक यू बेटा।